शुरू करते हैं। ब्लड ग्रुप का प्रिंसिपल क्या होता है? ब्लड ग्रुप प्रिंसिपल है एग्लूटेशन रिएक्शन। एग्लूटेशन रिएक्शन के साथ साथ एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन भी होती है, जिसकी वजह से क्लंप फॉर्मेशन होते हैं हमारे होल ब्लड के अंदर, होल ब्लड के अंदर। उसके बाद हमें मटेरियल रिक्वायर होते हैं ग्लास स्लाइड, एंटी सिरा चाहिए होता है हमें, एंटी सिरा ए बी और डी। इसके बाद हमें चाहिए होती है पिपेट टिप्स, चाहिए होती है हमें पिपेट की, और हमें हमारा होल ब्लड चाहिए फॉर कलेक्शन, और क्लीनिंग के लिए स्लाइड की टिश्यू चाहिए होता है हमें। अब मैं प्रोसीजर स्टार्ट कर रही हूँ। पहले हम टिश्यू लेंगे अपनी ग्लास स्लाइड को क्लीन करने के लिए, क्योंकि हमें ग्लास स्लाइड हम जब भी यूज करते हैं हमें क्लीन, नीट एंड क्लीन होनी चाहिए और ड्राई होनी चाहिए। मैंने अपनी ग्लास स्लाइड क्लीन कर ली है। इसके बाद मैंने अपना होल ब्लड लिया है, टिप कनेक्ट करूंगी मैं। एक एक ड्रॉप हम तीन स्लाइड्स पे डालेंगे। हमारे पास अभी ट्रिपल स्लाइड्स नहीं है, अभी हम इसके एक एक सर्कल पे डालेंगे एक ड्रॉप। मैं ब्लड ले रही हूं, मैंने एक एक ड्रॉप तीनों सर्कल पे डाल दिया है। अब मैं एंटी सिराज ऐड करूंगी इन सब में। मैंने एंटी सिरा ए ऐड करने वाली हूँ मैं इन सर्कल वन। मैंने एंटी सिरा ए ऐड कर दिया, एक ड्रॉप एंटी सिरा डालूंगी, एक ही ड्रॉप हमने होल ब्लड लिया था अपना। एंटी सिरा बी इन सर्कल टू, आने लग गई है, पर हम फिर भी 2 मिनट रुक के देखेंगे, क्योंकि कभी कभार होता है कि स्लाइड में थोड़ी देर में आती है एग्लूटेशन। हम इसमें देख सकते हैं ए में हमारी नहीं आई है बिल्कुल भी, क्योंकि एंटीजन प्रेजेंट होता है, एंटीजन प्रेजेंट होता है हमारी बॉडी में, हम एंटी सिरा हम ऐड करते हैं ब्लड में। तो मैंने ए में जब ऐड करा तो एग्लूटेशन नहीं हुई, बी में प्रॉपर एग्लूटेशन दिख रही है, और जो हमारी थर्ड सर्कल है उसमें हल्की हल्की दिख रही है, मतलब अभी थोड़ी देर में आ जाएगी एग्लूटेशन। अब हमारा ए तो माइनस हो गया, क्योंकि मतलब ए में है ही नहीं एग्लूटेशन, मतलब ए एब्सेंट है, बी में एग्लूटेशन है तो वो प्रेजेंट है, और सी मतलब जो हमारा आरएच फैक्टर है वो पॉजिटिव है, मतलब हमारा ब्लड ग्रुप हो गया बी पॉजिटिव। थैंक यू सो मच, हमारा ब्लड ग्रुप निकला ए बी पॉजिटिव।